कोने का पत्थर लुढ़का हुआ था। हम अंदर गए पर हमारे प्रभु का शव वहां नहीं है। प्रभु का शव नहीं है? और दो मनुष्य हमें दिखे, स्वर्ण पुंज चमकते सूर्य समान, और हमसे ये कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हमने उनको देखा, आप भी जाकर देखें, कब्र खाली है, प्रभु वहां नहीं है। प्रभु यीशु दो शिष्यों पर प्रकट हुए और वे उत्साह भरे अपने साथियों के पास गए। प्रभु सच में जी उठे हैं, फिर पतरस को दिखाई दिए। हम जब रास्ते में थे उन्हें नहीं पहचान सके, पर रोटी तोड़ने पर ही हमने उन्हें पहचाना। इम्माउस में फिर वहां कैसे पहुंच गए? तुम्हें शांति। तुम क्यों इतने चिंतित हो? तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है? देखो मेरे हाथ और मेरे पांव, और जान लो कि मैं मुझे छोड़ पहचान लोगे, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझमें देखते हो। मैं यही बातें तो करता था जब तुम्हारे साथ था, कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना, यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। उनके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा का संदेश यरूशलेम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी, और मैं स्वयं अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूंगा, स्वर्ग से सामर्थ्य पाने तक यरूशलेम में ही प्रतीक्षा करते रहना। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे और आशीष दे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आमीन।